अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे हेयर के लिए नेचुरल हेना पैक। वाटर जब रोलिंग बॉयल स्टार्ट हो जाए उसके अंदर हम ऐड कर देंगे कॉफी पाउडर और उसके साथ एक चम्मच टी पाउडर। 2 से 3 मिनट के बाद वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। फ्लेम को ऑफ करके स्ट्रेन करके हम इसको रख देंगे साइड में। नेक्स्ट हमें लेना है हेना पाउडर, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ नेचुरल प्योर ऑर्गेनिक ओरिजिनल हेना पाउडर। मैं यहाँ पर 2 कप्स हेना पाउडर ले रही हूँ। आप अपने हेयर के लेंथ अकॉर्डिंग वाइज ले ले। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ, हाथों के लिए हो चाहे बालों के लिए हो, प्योर एंड नेचुरल ऑर्गेनिक हेना पाउडर का ही यूज करें। तो नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 लेमन जूस। यहाँ पर मैंने हेना की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा ली है, 2 कप्स तक लिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर कंप्लीट 1 नींबू का रस यूज कर रही हूँ। अगर आप हेना पाउडर की क्वांटिटी कम करते हो तो लेमन जूस की क्वांटिटी भी कम कर ले। तो नेक्स्ट हम हेना को पेस्ट बनाने के लिए यूज करेंगे जो हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था, कॉफी पाउडर एंड टी पाउडर से बना हुआ डिकॉशन। डिकॉशन कंप्लीट से कूल होने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा नीम गरम रहा भी वार्म रहने पर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा पूछने वाला सवाल ये भी होता है कि हेना को अप्लाई करने के बाद हेयर पर कौन सा कलर आएगा। तो कौन सा कलर आएगा वो डिपेंड करता है हेना पर, बरगुंडी कलर, ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर, इस तरह के कलर्स आएंगे। पर हेना को बालों पर अप्लाई करने के बाद डार्क ब्लैक कलर नहीं आएगा। नेचुरल हेना को बालों पर अप्लाई करने के बाद कभी भी कौन सा भी हेना पाउडर आप इस्तेमाल करें पर डार्क ब्लैक कलर नहीं आएगा। मार्केट वाले कलर पैकेट्स को इस्तेमाल करने पर ही ब्लैक कलर आएगा, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स ऐड किए होते हैं, वो कलर बालों को टर्न इनटू प्योर ब्लैक कलर। तो इसलिए हमेशा बालों पर नेचुरल हेना पाउडर का ही इस्तेमाल करें, ये प्योर हलाल भी होगा, इसे नमाज भी होगी और कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। नेचुरल हेयर पैक को ना घर पर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग भी। एक एज आने के बाद हमारे दिमाग के नर्व्स थोड़ा कमजोर होते हैं, तो हम मार्केट में जो पैकेट्स मिले, डार्क कलर आएगा, ब्लैक कलर आएगा, उस तरह के पैकेट्स लाकर बड़े बड़े लोगों पर घर पर अप्लाई मत कीजिएगा, दिमाग के रगों पर इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये हम गारंटी से नहीं बता सकते कि किसके अंदर कितना केमिकल ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद हम इसको सेट होने के लिए इसको भी 24 आवर्स के लिए रख देंगे साइड में, क्योंकि जितना हम सेट होने के लिए रखते हैं वो उतना ही अच्छे से सेट होगा, यानी डाई रिलीज करेगा और उसके अंदर जो लम्स रहेंगे, क्लम्सी रहेगा, वो सब कुछ सेट होके ना पेस्ट एकदम स्मूथ टेक्सचर बनेगा। तो इसको ना बस हम रूम टेम्परेचर में रख देंगे, फ्रिज में स्टोर करके ना रखें। अगर वेदर कूल रहा तो बस आप क्या करें, एक डार्क रूम या क्लोज रूम में इसको रख दें। तो ये कम्प्लीट से पैक हो गया है। आफ्टर 24 आवर्स के बाद अगर आपके पास हेना पेस्ट को सेट करके रखने के लिए वक्त ना हो तो मिनिमम 3 to 4 आवर्स के लिए भी साइड में रख सकते हैं, अगर अर्जेंट नेसेसरी रहा तो। तो देखिए ये पेस्ट कितना स्मूथ एंड सिल्की बन गया है, बस अब ना इसको अच्छे से फेटेंगे एक बार। हेयर पर अप्लाई करने वाले हेना पाउडर को हम डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर, इस तरह फिल्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर प्योर एंड नेचुरल रहे इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई या हेल्पफुल दिखी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बाजू दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह।